आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके घर पर दो बार Google AdSense पिन आ गया है तो आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। हम आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं, जैसे ही आपके Google AdSense अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद Google AdSense अकाउंट पर आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, मतलब आपको अपनी आईडी अपलोड करनी पड़ती है, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इस तरह से अपनी आईडी अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद Google AdSense आपके एड्रेस पर एक लिफाफा भेजता है, जो आप देख रहे हो हाथ में, इस तरह से लिफाफा भेजता है जिसमें एक पिन नंबर होता है 6 डिजिट का, ठीक है। अगर वो लिफाफा जो है आपके 4 वीक्स यानी 28 दिन के अंदर आपको मिल जाता है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रीअप्लाई कैसे करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेना, राइट। रीअप्लाई करने के बाद Google AdSense आपके एड्रेस पर दोबारा से एक पिन नंबर भेजता है, ठीक है। अगर आपको ये पिन नंबर मिल जाता है तो आप अपने AdSense अकाउंट में ये पिन नंबर डालकर अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब Google AdSense ने हमें पिन भेजा था वो नहीं आ पाया था, वो हमें बाद में मिल जाता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आप उसको आराम से रख दीजिए। इस वीडियो में आपको दोनों पिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। हम आपको बता दें इन दोनों लिफाफों में पिन नंबर बिल्कुल सेम होता है, मैं आपको इसको खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इनमें दोनों को आप खोल के दिखा रहा हूँ, इनमें दोनों में पिन नंबर सेम होता है, आप कोई सा भी लिफाफा लेकर उनमें से पिन नंबर डालकर अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना, ठीक है। जो बाद में आता है उसे रख देना साइड में, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों में पिन नंबर बिल्कुल सेम है, आपको जो पहला वाला लिफाफा मिल जाए उसमें एडसेंस पिन ले मतलब पिन नंबर लेके अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना, जो बाद में लिफाफा आता है उसे आप साइड में रख देना, उसका कोई भी काम नहीं है, राइट। आप घबराना मत, मतलब कि आपका ये क्या होगा, दोबारा कैसे आएगा, ऐसे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, और इस तरह की अमेजिंग वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।